गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन को पढ़ा था, ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस को सीखा था और मैंने आपको बताया था, मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि अगर कहानी एक्चुअली में ऑक्सीडेशन की शुरू होती है एल्कोहल से। आपके पास एल्कोहल की जेंटलमैन तीन प्रकार की डिग्री होती है, एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है। 1 डिग्री एल्कोहल को यदि आप ऑक्सीडेशन कराएं तो एल्डिहाइड बनता है जेंटलमैन। फर्दर उस ऑक्सीडेशन को यदि ना रोका जाए, जो कि नॉर्मली रुकता नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था इतना सबसेप्टेबल होता है कि एल्डिहाइड तुरंत एसिड में, मतलब आपको ये बात समझनी चाहिए कि लास्ट लेक्चर में यदि पॉप्स रूल की कहानी को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, पॉप्स रूल की कहानी को थोड़ा सा हम बाद में अगर चर्चा करें, हालांकि ऐसा नहीं है कि बाद में चर्चा करें, मतलब उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड के केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एसिड होगा। जनरल आपसे किसी ने पूछा कि 1 डिग्री एल्कोहल, आप 90% केसेस में देखेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है, लेकिन कीटोन के 2 डिग्री एल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता, कीटोन पे रिएक्शन नॉर्मली रुक जाती है। फिर हमने उसी में लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम डाइकार्बोनिल कंपाउंड में भी कन्वर्ट करते हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम फ्लोरोक्साइड की प्रेजेंस में। फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या KMnO4 का यूज करके कीटोन में पॉप्स रूल का यूज बताया था, जिसमें एसिड बन रहे थे, है ना, मिक्सचर ऑफ एसिड हमने प्राप्त किया था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके पास कहानी कहां तक पहुंची, और आज हम लेके आए हैं बेयर बिल्डर ऑक्सीडेशन। इसको शॉर्ट में मैंने लास्ट लेक्चर को समाप्त करते समय थोड़ी सी चर्चा इसकी की थी कि बेयर बिल्डर ऑक्सीडेशन। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा की पॉइंट आप समझने के क्या है, सबसे बड़ा की पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसका क्या है कि इट इज मेनली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन इट इज मेनली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन नहीं करते इसकी मदद से, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन अगर इसका हम मेनली यूज देखें, भाई कोई आपसे पूछे ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये कीटोन के लिए सब महत्वपूर्ण है, कीटोन के लिए ये महत्वपूर्ण है, और कीटोन का ये ऑक्सीडेशन करा के एस्टर का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको बताया था कि की पॉइंट्स में अगर आप बात दें तो एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है कि दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्सी एसिड। परोक्सी एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। वो परोक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, एक आप सुनते हैं पी ब्लॉक में, मैंने बताया कई बार, पी ब्लॉक नहीं पढ़ाया तो क्या होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो बताया, इसको कैरोज एसिड बोलते हैं,
पेरोज एसिड जिसको आप बोलते हैं परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें परऑक्सी बॉन्ड है जो कि आपको स्पष्ट दिख जाए। ये इसका स्ट्रक्चर है जेंटल मैन, तो परऑक्सी बॉन्ड यू कैन सी दैट परऑक्सी बॉन्ड इज दिस। तो ये परऑक्सी बॉन्ड इसे ऑक्सीडाइज करेगा और भी परऑक्सी बॉन्ड होते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि CH3 एसिटिक परऑक्सी एसिड, ये एसिटिक परऑक्सी एसिड कहलाता है। ये देखिए परऑक्सी बॉन्ड है जेंटलमैन, तो परऑक्सी बॉन्ड भी काम आता है। और भी आप बोल सकते हैं कि अगर मैं तीनों एच को स्ट्रॉन्ग माइनस आई से रिप्लेस कर दूं, तीनों एच को स्ट्रॉन्ग ट्राइफ्लोरो परोक्सी एसिटिक एसिड बोलेंगे इसको जेंटलमैन, ट्राइफ्लोरो परोक्सी एसिटिक एसिड। मैं नाम बोल रहा हूं आपको, आप नोट कर सकते हैं ट्राइफ्लोरो परोक्सी एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ट्राइफ्लोरो परोक्सी एसिटिक एसिड। माइनस आई लग रहा है जेंटलमैन, तीन तीन माइनस आई लग रहा है, कितने माइनस आई लग रहे हैं, तीन तीन। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पॉइंट है कि तीन तीन माइनस आई लग रहे हैं, तो जो सी होगा वो मच मच स्ट्रॉन्गर देन बी हो जाएगी। मतलब अगर इस तरह का भी क्वेश्चन JEE में पूछ सकते हैं मेंस में या एडवांस में, कि अगर आपको बी और सी में कंपेयर किया जाए बी और सी में कंपेयर किया जाए, बिकॉज बोथ आर ऑर्गेनिक एसिड। जेंटल में कुछ बातें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारे पास कैटेगरी होती है या तो इनऑर्गेनिक एसिड होता है या ऑर्गेनिक एसिड होता है। जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो नॉर्मली मिनरल एसिड बोला जाता है, HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, HNO3 हुआ या H2SO4 हुआ, दीज आर द स्ट्रॉन्गर एसिड। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, अकार्बनिक जो एसिड होता है वो कार्बनिक एसिड से हमेशा प्रबल होता है, जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड से हमेशा ताकतवर होता है। तो कंपैरिजन करना तो इनऑर्गेनिक जीत जाएगा, लेकिन अगर हम दो ऑर्गेनिक एसिड को कंपेयर करें, ऑर्गेनिक एसिड जनरली दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड को कंपेयर करूं तो वहां पर प्लस आई और माइनस आई का प्रभाव भी आ जाता है, और भी कई फैक्टर आते हैं जो धीरे धीरे आएंगे बताएंगे हम आपको। तो यहां पर ये हम परोक्सी एसिड की बात कर रहे हैं और ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और भी परोक्सी एसिड हो सकते हैं, जैसे मान चलो कि मैं परोक्सी बेंजोइक एसिड ले लूं, दिस वन इज परोक्सी बेंजोइक एसिड, PBE बोलते हैं परोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान होता है, ये परोक्सी बेंजोइक एसिड बनाना है तो ये परोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया, ये परोक्सी बॉन्ड मैंने बना दिया आपके सामने। इसके अलावा जो भी और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार रिएक्ट लिखा रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं, JEE वाले इसे बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCPB है।
क्या है ये महोदय? ये है बेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड एमसीबीबी है बेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं बेयर बिल्डर ऑक्सीडेशन की। मैंने आपसे क्या कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दोनों को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एल्डिहाइड कीटोन को एल्डिहाइड को नहीं कर सकते, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी ऑक्सीडाइज। परेसिड बोल दो या परोक्सी एसिड बोल दो, एक ही बात है जेंटलमैन। लेकिन स्पेशली हम ये जो मेथड है वो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि वो मैं लिख चुका हूं एक पॉइंट में कि हम कीटोन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कीटोन के लिए हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेयर बिल्डर ऑक्सीडेशन से मेनली हमें एस्टर का फॉर्मेशन होना चाहिए एज ए मेजर प्रोडक्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कीटोन है और कीटोन से एस्टर आप बना रहे हो तो आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली में जेंटल में, आप क्या कर रहे हैं कि आप इंसर्ट आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप इंसर्ट कर रहे हैं एन ऑक्सीजन एटम। मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुने और बहुत ही ध्यान से समझें। आपसे कहा कि कीटोन से एस्टर बनाना, आप कीटोन में क्या करेंगे बताओ? एक ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट करना पड़ेगा तो एस्टर बन जाएगा। भाई कीटोन अगर आपके पास है तो कीटोन ये हो सकता है, कीटोन ये भी हो सकता है सब, अगर इसमें कोई एच आ गया तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेंजीन रिंग भी आ जाए। भाई ये सिचुएशन हो सकती है ना आपके सामने कि भाई जब हमें कार्बोनिल ग्रुप तो ये दिख रहा है इनमें, ये चिपका बैठा भाई, कार्बोनिल ग्रुप तो ये बैठा हुआ है और मुझे क्या करना है कि एक ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही मेरे साथ रहिए यहां पर एक मिनट तक कि आप कहते हैं कि साहब ऑर्गेनिक बहुत टफ है, ऑर्गेनिक बहुत कठिन है, लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक आरटी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही कठिन होते हैं ऑर्गेनिक के, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है केवल आपके दिमाग का। आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर आप की पॉइंट को ध्यान में रखें और आप थोड़ा सा मैकेनिज्म को ध्यान में रखें कि भाई हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, अब इसके अलावा क्या है सब? इसके अलावा देखो आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन एटम हो सकता है, आपके पास आर हो सकता है, इस आर का नेचर क्या हो सकता है जेंटलमैन? इस आर का नेचर जो है ये मिथाइल हो सकता है, ये 2 डिग्री हो सकता है, ये 3 डिग्री हो सकता है, या फिर C6H5 हो सकता है, फिनाइल जिसको आप बोलते हैं, यही होगा ना? तो आएगा नहीं कोई भी और कुछ और टोप तो नहीं आएगी नहीं कि नहीं जे डबल वाले पागल हो गए या नीट वाले भी कुछ भी दे देंगे हमें तो पता ही नहीं है साहब कैसे करें,
तो यही चिपका होगा ना भाई, 2 डिग्री एल्काइल होगा, मिथाइल होगा या 3 डिग्री एल्काइल होगा या हाइड्रोजन एटम होगा या फिनाइल होगा। सो यू हैव टू जेंटलमैन इंसर्ट एन ऑक्सीजन एटम बिटवीन दीज ग्रुप। तो क्या ऑर्डर होगा, प्रेफरेंस क्या होगा ऑर्डर का, मैं वही लिखने जा रहा हूं कि प्रेफरेंस ऑर्डर टू इंसर्ट एन ऑक्सीजन एटम बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड एनदर ग्रुप ऑब्लिक एटम। पूरी लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, मैं तो कह रहा हूं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चाहे कितने बार पढ़ते रहिए, एक ही बात आपको समझ में आएगी कि कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे ग्रुप या एटम क्या हो सकते हैं, एच हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इनके बीच में ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट कर दिया, यही बेयर बेल्गर ऑक्सीडेशन है। और आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन जेंटलमैन आपको इस प्रेफरेंस ऑर्डर का ध्यान रखना है और नॉर्मल बातें भी ध्यान रखनी है। देखिए नॉर्मल बातें भी ध्यान रखनी होती हैं, हमें रूल भी ध्यान रखना होगा, क्या करें भाई, पढ़ाई चीज, अगर हमें जो है क्वेश्चन को सही करना है तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, हमें सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा और हम उसे फोड़ देंगे, तोड़ देंगे और आंसर मिला के और नंबर आ जाएंगे, रैंक आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। हमें सब कुछ करना पड़ेगा, सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे जो एक अच्छे बच्चे के द्वारा बेले जाते हैं, सीखे जाते हैं, खाए जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। लोगों को बड़ा आसान लगता है लेकिन सिलेक्शन हो कैसे जाता है ये पता नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जेंटलमैन। आपको हर एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि एस्टर बन रहा है, और मैंने आपको नॉर्मल बात ये भी बताई कि अगर एल्डिहाइड का केस होगा तो जनरली मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड होगा, और कीटोन के केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एस्टर होगा। देखिए हम बात करने जा रहे हैं बेयर बेल्गर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर प्रेफरेंस ऑर्डर, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को हम प्रेफर करेंगे, देन 3 डिग्री एल्काइल, देन 2 डिग्री एल्काइल, 3 डिग्री एल्काइल के बाद 2 डिग्री एल्काइल आएगा, देन फिनाइल एंड देन मिथाइल। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है ऑक्सीजन रूपी गोला दागने का, ऑक्सीजन रूपी ये गोला है, स्फीयर है, उसको दाग देना है, जोड़ देना है, एस्टर बने या एसिड इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो कहानी क्वेश्चन को देखने के आधार पे बदली जाएगी क्या बनने वाला है। जैसे मान चलो कि मैं इसको लू, ये कीटोन है, एक एरोमेटिक कीटोन है आई थी, इसे आप बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन, और ये सब आपने पढ़े ऐसे ले लिया। आप देखो ये ऑर्डर है आपके सामने, एच है नहीं, 3 डिग्री है नहीं, 2 डिग्री है नहीं, फिनाइल है और मिथाइल है, तो फिनाइल पिताजी है और मिथाइल इसके बच्चे हैं, तो यहां पे ऑक्सीजन एटम को साहब यहां पे इंसर्ट कर दो, प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, समझदार के लिए सारा काफी होता है, यहां पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और ये एस्टर बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर लिख दिया है जेंटलमैन कि ऑक्सीजन रूपी गोला दागना है तो कार्बोनिल ग्रुप और इसके बीच में दाग देंगे, क्योंकि फिनाइल जो रिएक्टिविटी में है, प्रेफरेंस ऑफ इंसर्टन ऑफ ऑक्सीजन एटम में है, वो मिथाइल से आगे है, 3 डिग्री है नहीं, 2 डिग्री है नहीं, एच है नहीं, तो क्या करें, तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा साहब की क्या करें, रोना नहीं है भाई कि क्या करें साहब, रोना मना है, क्वेश्चन करो, लड़ो चीजों से, कॉन्सेप्ट सीखो। ये पैरेसिड है साहब, ये एल्डिहाइड है, दुनिया जाती है,
दुनिया जानती है इसके बारे में कि ये एल्डिहाइड है, लेकिन हम बेयर मिलकर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। आपको बोला था मैंने कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। एल्डिहाइड का मेजर प्रोडक्ट एसिड होता है, कीटोन का मेजर प्रोडक्ट एस्टर होता है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एक आपके पास यहाँ मिथाइल है और एक एच है। एच यहाँ पर पिताजी है, मिथाइल यहाँ पर इनके बच्चे हैं। तो ऑक्सीजन एटम आप यहाँ डाल सकते हैं। एक बच्चा कहता है ऑक्सीजन में यहाँ डालूंगा, एक कहता है यहाँ डालूंगा, भाई डाल दो, दो प्रोडक्ट बना दो। तो एक कहता है कि CH3OCOH, इस प्रोडक्ट को मैं ए नाम दे दूं, और जिसने CH3COH एच और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन को डाला है तो उस प्रोडक्ट को हमने बी नाम दे दिया। चेतन ने दोनों दोस्त थे, दोनों की बात माननी पड़ी, दोनों ने अपने अपने प्रोडक्ट बनाए। प्रेफरेंस ऑर्डर में एच राजा है और ये फकीर है। एच को जिताना पड़ेगा, मिथाइल को हराना पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। JEE में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था कि इसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। जनरल में तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं जेंटलमैन कि यहां पे जो बी होगा वो मेजर हो जाएगा और जो ए होगा वो माइनर हो जाएगा। और ये मैं आपको तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, और मेरी बात आप ध्यान से कान खोल के सुन लीजिएगा कि मैंने आपको बोला था कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड होगा। देखिए साहब ये एसिड है और ये एस्टर है। अरेंजमेंट से कंपाउंड का नाम बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, सूरत बदल जाती है। ये एस्टर है और ये एसिड है। मैं आपको बोल चुका हूं कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट एसिड होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, एस्टर होगा। लेकिन कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन होगा जेंटलमैन तो मेजर प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एस्टर ही होगा। किसी की ताकत नहीं है कि एसिड बना के दिखा दे, क्योंकि अरेंजमेंट ही ऐसा होगा ग्रुप का। आप बेयर बिल्कर ऑक्सीडेशन की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन किसी का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि ऑक्सीजन एटम को कैसे इंसर्ट करना है, ऑक्सीजन एटम कहां डालना है। आप बताइए जरा कि अगर मैं इस कीटोन को ले लूं, ये साइक्लोपेंटेन और ये मैंने बना सब, देखो इसके इधर तो CH2 है सब, H नहीं है ना। आप कहोगे साहब यहां H है, H कहां है भाई, CH2 है ही, तो ये तो CH2 है। यहां पे भी ये CH2 है, यहां पे भी ये CH2 है, और ये क्या है, मिथाइल है। लेकिन लोचा यहां हो रहा कि आप देखो लोचा हो रहा साहब, लोचा चक्कर आ गया यहां पे, क्या चक्कर आ गया देखो, यहां पर एक एच चिपके बैठे हुए हैं चुपके से, यहां पर एक एच चिपके बैठे हुए हैं चुपके से। तो ये जब एच ये चिपके बैठे हुए हैं चुपके से तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या बनाना पड़ेगा, एस्टर बनाना पड़ेगा। तो देखिए कि बेयर मिलकर ऑक्सीडेशन करा रहे हो, बेयर मिलकर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं जेंटलमैन, तो टोटल कार्बन गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है। देखो पांच ही है सब, देखो 1 2 3 4 5 पांच ही कार्बन है, और इसे मैंने यहां लगा दिया। देख लो आप देख लो सब, आराम से देखो, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा कह रहा है कि साहब यहां पांच कार्बन है, यहां छह कर दिए, छह नहीं कर दी, गिनो पांच ही कार्बन है, एस्टर बनाया मैंने। रिंग बड़ी सी दिख रही, रिंग बड़ी नहीं है, मेंबर तो बढ़ेंगे ना, जब ऑक्सीजन है नया सदस्य आएगा तो मेंबर तो बढ़ेंगे ना। तो यहां पर ऑक्सीजन रूपी एक नया सदस्य आया, यहां क्यों आया, क्योंकि यहां पर एच छुपे हुए बैठे थे। तो एच और मिथाइल में मैं फिर से आपको ऑर्डर बता दूं कि एच 3 डिग्री, फिर क्या होता है 2 डिग्री, फिर फिनाइल और उसके बाद मिथाइल। ये है ऑक्सीजन रूपी गोला दागने का ऑर्डर साहब। एच था,
मिथाइल था, कुछ बच्चे यहीं पर मिथाइल लगा रहने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने जो है ये एस्टर बनाया और एल्डिहाइड अगर होता तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनता। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन हम बेयर मिलकर ऑक्सीडेशन से करा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्डिहाइड से क्या बनना है, मेजर प्रोडक्ट एसिड बनना है, और कीटोन से मेजर प्रोडक्ट क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक एस्टर बनना है। तो आप कहानी को समझें कि अभी हमने ऑक्सीडेशन का पार्ट खत्म किया और ऑक्सीडेशन का पार्ट खत्म कंप्लीट अभी नहीं हुआ, अभी एक हेलो फॉर्म रिएक्शन भी बाकी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एल्डोल और केनिजा ये मेन रिएक्शन बाकी है, इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में एंटर कर जाएंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं। आई थिंक जितना आपने आज के लेक्चर तक सीखा है, मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी लेवल का या सिंपली किसी भी मॉड्यूल का जहां तक आपने आज सीखा है कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बशर्ते करना तो सब आप ही को पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए और जो है अपनी तैयारी को एकदम दुरुस्त रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन और भी कई इंटरेस्टिंग रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।